मंच छोड़कर भागने वाले ये नेताजी दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। नाम है गुलाब सिंह यादव और जिन लोगों से बचने के लिए नेताजी भाग रहे हैं वो कोई विपक्षी कार्यकर्ता नहीं बल्कि इन्हीं के पार्टी के वर्कर हैं। मगर आप विधायक के संग आप कार्यकर्ताओं ने ही इस कदर हाथापाई कर ली कि नेताजी को मंच छोड़कर खुद को बचाने के लिए भागना पड़ा। विधायक जी के साथ क्या हो गया? विधायक गुलाब सिंह यादव सोमवार रात करीब 8 बजे श्याम विहार में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, उसी दौरान ये घटना हुई। बैठक के दौरान अचानक हंगामा शुरू हो जाता है। आपके आक्रोशित कार्यकर्ता विधायक के साथ धक्का मुक्की शुरू कर देते हैं, उनका कॉलर भी पकड़ लिया जाता है। यादव जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो कार्यकर्ता उनका पीछा करते हुए उनके साथ हाथापाई पर उतर आते हैं। आखिर में खुद को बचाने के लिए विधायक को मौके से भागना पड़ता है। क्यों भड़के कार्यकर्ता? आम आदमी पार्टी फिलहाल इस मुद्दे पर खामोश है, लिहाजा विवाद की आधिकारिक वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। मगर बीजेपी की दिल्ली इकाई ने आरोप लगाया है कि एमसीडी चुनाव के टिकट बेचने के आरोप में आप कार्यकर्ताओं ने यादव के साथ बदसलूकी की। पार्टी का कहना है कि ये कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया थी जिसका यादव ने कड़ा विरोध किया था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर इस घटना पर तंज कसा है, जबकि विधायक गुलाब सिंह यादव इसे बीजेपी की अफवाह फैलाने वाली हरकत बता रहे हैं। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और एमसीडी चुनाव की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।